नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। फ्लैट तो बहुत है साहब, इसमें नहीं तो उसमें देख लो। ये मुंबई की बरसात भी कभी भी आती, पता ही नहीं चलता। अगर आपका वेदर एनालिसिस खत्म हो गया हो तो बताएंगे आगे का जाने। साहब चिंता क्यों कर रहे हो, इस बिल्डिंग में नहीं तो दूसरी बिल्डिंग में। ये तो मैंने आपको इसलिए दिखा दिया था कि शायद आपको पसंद आ जाए। वो बिल्डिंग अच्छी लग रही है, फ्लैट है उसमें? एक फ्लैट है उसमें। तो छुपा के क्यों रखा है? चलिए देखते हैं। आइए सर, डुप्लेक्स है सर। ये पहले रहने वाले छोड़ गए, चाहे तो रख लें आप।
ये सामने किचन है। इधर भी कुछ सामान रख सकते हैं। बेडरूम कैसा लगा साहब? घर हो तो ऐसा, किराया ठीक हो तो ले लेते हैं। किराए वराए की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, लेकिन लेकिन वो क्या है साहब, यहाँ रहने वाली एक औरत बालकनी से गिर के मर गई थी। यहाँ से? जी। लेकिन क्यों? पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं पागल थी, कुछ लोग कहते हैं सुसाइड किया। आपको तो कोई वहम वहम नहीं है ना? What nonsense? दुनिया के हर घर में कोई ना कोई मरता रहता है, इसमें बेचारे घर का क्या कसूर? ओनर कौन है? ठक्कर साहब, यहीं बाजू के फ्लैट में ही रहते हैं, इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी भी वही हैं। नमस्कार ठक्कर साहब, ये विशाल साहब हैं, आपका फ्लैट लेना चाहते हैं। मैंने इनको मंजीत की मौत के बारे में बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं? यहां रहने में आपको बहुत मजा आएगा। कहाँ जा रहा है? तमीज से बात करो। कौन है आप, पहले तो नहीं देखा। यहाँ रहने आए 12 से 1 में। सॉरी। यहाँ नहीं, वहाँ। ये पहले रहने वाले छोड़ गए, चाहो तो रख लो। इट्स नाइस। हम्म, वो सामने किचन। पसंद आया? मैं बाई पहले भी यहां काम करती थी। तुम्हें किसने बताया हमारे बारे में? ठक्कर साहब ने। ठीक है, कल से आ जाना। थोड़ा पुअर थिंग, डोंट बी मीन। अरे आई एम नॉट बीइंग मीन यार। Targeting their own neighbors. This is violence and chaos spinning out of control. Everywhere the fires rage. This country belongs to us, they cried. Wild cheering for men hailed as saviors. The army rushed to the scene as emergency troops. The police failed dismally. The soldiers are the last hope. Already the authority want more. Army officers failed to the
so much of the destruction here. And it doesn't explain why street battles have continued to rage today, despite this heavy military presence.
लिफ्ट काम नहीं करता है। हेलो, हाय विशाल। नहीं, वो बाजार गई थी। मिसिंग यू, बाय। क्या है? वो लिफ्ट वापस काम करने लगा है। बेल नहीं बजा सकते थे तुम? दरवाजा खुला था। काम क्या है? सोसाइटी का बिल है। नीचे नहीं दे सकते थे? भूल गया। ठीक है, जाओ और आगे से बेल बजाए बिना बिल्कुल अंदर नहीं आना। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब छोड़ो विशाल, मैंने उसे बोल दिया है ना। वॉचमैन है तो वॉचमैन की हैसियत से रहे, ऐसा बर्ताव सहते रहे तो सर पे बढ़ जाएगा। आजकल काम करने के लिए
अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं। लेकिन ठक्कर साहब, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त करते रहे। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या है कि वो मंजीत की मौत के केस में वो गवाह बन गया था और उसी दौरान। ये मंजीत कौन है? स्वाति को पता नहीं है। I'm just shocked, you know, विशाल। एक औरत इस घर से कूदकर मर गई और तुमने बताना तक जरूरी नहीं समझा। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? ये छोटी सी बात है विशाल। स्वाति एक औरत यहाँ से कूदकर मर गई तो इसका मतलब हम इतना अच्छा घर छोड़ दें? दुनिया के हर घर में कोई ना कोई मरता है, इसका मतलब लोग घर छोड़ के चले जाते हैं? आई एम शॉक्ड कि तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी सिली और सुपरस्टिशियस बातें कैसे कर सकती हो। और वैसे भी इस बात को छुपाने के पीछे मेरा क्या मकसद हो सकता है? सिर्फ इतना ही कि इस घर को देख के जितनी खुशी मुझे हुई थी, मैं चाहता था कि उतनी खुशी तुम्हें हो, बस। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था तो आई एम सॉरी। लेकिन मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, मंजीत का भूत भी मेरी बात मान लेता। स्वाति, कोई है वहां पर? कौन? पता नहीं, कोई कोई है। यहां तो कोई नहीं है। शायद हवा से गिरा होगा। पर फिर वो औरत वहां। कौन औरत? मैं यहां पर बैठी थी और टीवी देख रही थी और एक बार मुझे ऐसा लगा कि एक औरत खड़ी है यहां पर, राइट हियर, मेरे पीछे। अरे क्या मतलब कि तुम्हें लगा? लगा मतलब विशाल, वो थी वहां पर, लेकिन जब मैं पलटी ना तब नहीं थी वहां पर वो। स्वाति तुम क्या बोल रही हो? और वैसे भी इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी विशाल, तो मैंने सोचा टीवी देख लूं थोड़ी देर। स्वाति ऑब्वियसली टीवी देखते देखते तुम सो गई होगी और कोई सपना देखा होगा, इस आवाज ने तुम्हें जगा दिया। स्टूपिड, कम ऑन। क्या? Nothing. Sorry.
स्वाति। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी, लेकिन कल तुम्हारी शक्ल देखने वाली थी। हाँ हाँ, पता है पता है, मेरा इतना मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। स्वाति! विशाल! विशाल! सलाम साहब। हाय। हाय। Guess what? I've got tickets for Spider-Man. Spider-Man? विशाल, please. तो तुम्हें क्या देखना है? मुझे मन का रिश्ता देखनी है। Oh God, Swati, I'm sick of your मन के रिश्ते। ये तुम्हारी stupid romantic family फिल्में देख-देख के मेरा सर पक गया है। तो मेरा भी सर पक गया है। ये सब action उल्टी-पुल्टी लटकने वाली पिक्चरें देखकर। अच्छा सुनो, आज Spider-Man देख लेते हैं। अगली बार मैं तुम्हारे साथ दो मन के रिश्ते देख लूंगा। दो मन के रिश्ते? Come on, they're all the same. सब एक जैसी तो होती हैं यार। विशाल, यू क्या हो? आज का काम खत्म। Superhero stalker. I was in the neighborhood. You are amazing. Some people don't think so. But you are. Nice to have a fan. Do I get to say thank you this time? Our entire staff certifies hypnotic ready. Norman! Hold on. Norman! Dr. Osborne. Oh my God! Norman! Norman! Ask have come. Good God! Norman! Norman! Will you? Thank you.
के बारे में सोच रही हो ना? प्लीज मेरे लिए उसे भूलने की कोशिश कर सकती हो? स्वाति, स्वाति, कहाँ जा रही थी तुम? क्या तुम नींद में चल रही थी? कल बताया था ना? अब ये मत कहना कि तुमने फिर से उसका सपना देखा है। सपना? चलो चलो चलो। मैं नींद में कभी नहीं चली हूँ। Are you sure? What do you mean by I'm sure? Of course I'm sure, विशाल। अगर मैं चली होती तो मुझे पता नहीं होता। अच्छा अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? इट्स ओके। बात है ऑफ कोर्स बात है। आई मीन स्लीप वॉकिंग, गॉड डैम इट, नींद में चलना कोई ये सर्दी जुकाम जैसी बात तो है स्वाति, नहीं। स्वाति, हा? स्वाति रिलैक्स, बैठो बैठो। शायद तुम थक गई होगी, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। या बट इट्स वियर्ड इजंट इट, आई मीन सडनली लिफ्ट में। स्वाति अगर तुम इस बात को दिमाग में बिठाओगी तो आई डोंट नो, जस्ट बी ओके, जस्ट बी ओके, डोंट थिंक अबाउट इट, भूल जाओ ना। रिलैक्स।
साड़ी पहनी होगी। या बैठ सकती है। ओके, थैंक्स। मेडिकल टर्म्स में नींद में चलने की बीमारी को सोमनैम्बुलिज्म कहते हैं। ये एक सीवियर इमोशनल डिस्टरबेंस का नतीजा है। मैं समझता हूँ कि मंजीत की मौत की खबर सुनकर स्वाति को एक बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, इट्स नॉट एज बैड एज इट साउंड्स। दवाइयों से यह मामला आसानी से क्योर हो सकता है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम पागल हो गई हो। चले ये ओके, कम ऑन। हिरेन भाई को बोल के प्रोसीडिंग्स शुरू करा देना यार। कल नहीं कर सकते ये सब। विशा, चले जाओ ना, I'm okay. लेकिन hey, I'm really okay. आता हूँ। I'll be back soon. But I'm telling you, I'll take care of the investments. You don't have to worry about that. You take care of this. Swati? 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 Thank you.
तो सिर्फ इतना याद है कि बाई काम करके चली गई थी और मुझे तो याद ही नहीं है कि मैं सोई भी थी। स्वाति, क्या मतलब सोई नहीं? अगर सोई नहीं होती तो नींद में चली कैसे? विशाल, बिलीव मी यार। स्वाति, फर्स्ट रिलैक्स, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसके यहाँ कैसे पहुंच गई? याद है उस दिन, कल परसों हम उस खुले दरवाजे की बात कर रहे थे, शायद वो बात दिमाग में बैठ गई और फिर सपनों का कोई दुख होता है। विशाल, मुझे कुछ होता नहीं रहा। विशाल, स्वाति, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? बस तुम नींद की गोली खाओ और सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा।
चाकू से मारा, ठीक है। पिस्तौल से मारा, ठीक है। लेकिन किसी की गर्दन पूरी तरह घुमा के तोड़ के मारने की क्या जरूरत? किसी की गर्दन पूरी तरह घुमाने के लिए कितनी ताकत लगेगी मालूम है? मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं, सब कुछ। काम पे कब लगा, उसे पहली बार कब मिले, आखिरी बार कब देखा। आई वॉन्ट एवरीथिंग इंक्लूडिंग कॉफी, ओके? आप इस घर में अकेले रहते हैं? जी, मेरा एक बेटा है। लेकिन आजकल वो पुणे में रहता है। कुरेशी, लियाकत कुरेशी, नीचे के बारे में कुछ बात। मरने वाले के साथ तुम्हारा कुछ झगड़ा सुना? वो उसने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की थी। उसने उसे डांटा। तुम्हारी बीवी? उसकी क्या जरूरत है, मैं बोल रहा हूं ना। नहीं, कोई कुछ सुराग मिल जाए। वो सो रही है। मर्डर केस है, जगाओ। उसकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। Thanks for your cooperation. मंजीत खोसला यही जिया करती थी ना? Oh,
मंजीत है विशाल। मुझे लगता है हमें किसी साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी होगी। डॉक्टर राजन ही ठीक रहेंगे, ही इज द बेस्ट। स्टीफन, कनेक्ट मी टू डॉक्टर राजन प्लीज। ओह, क्या वही आई है? आई कंप्लीटली फॉरगॉट। ओह या या या, आई कॉल हिम। थैंक्स थैंक्स। डॉक्टर राजन की बेटी को ब्लड कैंसर है, उसका इलाज इसी अस्पताल में हो रहा है, ज्यादा दिन नहीं बचेगी। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं बेटी, तुम ठीक हो जाओगी। झूठ बोल रहे हो, मैं मरने वाली हूं ना। ऐसा मत कहो। मुझे बहुत डर लग रहा है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू डॉक्टर राजन, अगर हो सके तो डॉक्टर श्याम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं भी आ रहा हूं। हेलो डॉक्टर राजन, सॉरी आपको ऐसे वक्त तकलीफ दे रहा हूं। दैट्स ऑलराइट, प्लीज सिट सिट। यह है मिस्टर विशाल। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को कुछ हो रहा है। देखो, मैं मानता हूं कि तुम्हें मंजीत दिखाई देती है, सिर्फ इसलिए कि मैं डॉक्टर हूं, यह मत सोचना कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता। तुम्हें उसके एहसास है, मुझे नहीं, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूं। क्या अब वो हमारे साथ है? कहां? Delusions compounded with severe depression, hallucinations भी हो रहे हैं। क्या ये आमतौर पे होता है डॉक्टर? नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये होता नहीं। मेरे ख्याल से उस मरी हुई औरत की जानकारी से स्वाति के मन में गहरा डर पैदा हो गया है, और यकीनन ये सब उसी का नतीजा है। है। आपकी बीबी? नो। मिस्टर राजन, इंस्पेक्टर लियाकत कुरैशी, आप भी शेयर मार्केट? जी नहीं, मैं साइकाट्रिस्ट हूं। साइकाट्रिस्ट, चलिए। डॉक्टर, मेरी बीवी अक्सर कहा करती है मुझे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, व्हाट डू यू थिंक?
मेम साहब को क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम चाय बनाओ। स्वाति, स्वाति, पापा
आई एम सॉरी, अभी कुछ देर पहले आपकी बेटी गुजर गई। मैं आ रहा हूं। ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? मैं नींद का इंजेक्शन दे चुका हूं, वो सो रही है। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप, इसमें साइकोलॉजिकल क्या है? आपने देखा नहीं ऊपर क्या हो रहा है? क्या ये एक इंसान के बस की बात है? आपका नजरिया मैं समझ सकता हूं विशाल, लेकिन क्या है, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं जानता हूं आपके साथ इस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे कहीं जल्दी जाना है। आई विल बी बैक। I'm really sorry, doctor. कम से कम इस बात की खुशी है कि एक और ज्यादा दर्द बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। Thank you for everything you've done, doctor. मैं चलता हूँ। By the way, doctor, विशाल का फोन आया था। मैंने उसे पिया के बारे में बता दिया है। अगर वो चाहे तो किसी और साइकेट्रिस्ट के और। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं, मैं खुद संभालूंगा। यू नो शाम, जब मैं स्वाति को चेक कर रहा था अजीब अजीब बातें कर रही थी, हंसना गुर्राना पता नहीं क्या क्या। मैं अपनी प्रैक्टिस में इस तरह की बर्ताव बहुत बार देख चुका हूं, पर शायद इन हालातों की वजह से स्वाति के यहां मुझे एक मिनट के लिए लगा। मेरी अपनी बेटी पिया मुझसे बात कर रही है। मैं जानता हूं ये महज इत्तेफाक है, लेकिन उस वक्त क्या आपने विशाल को यह बताया कि उसकी बीवी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की पेशेंट है? पहली बार सुना है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। कुरैशी, लियाकत कुरैशी। डॉक्टर आई एम सॉरी,
आपके बच्चे के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच सर। शाम में चलता हूं। डॉक्टर राजन, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट किसी के लिए जान का खतरा हो सकता है? कुछ केसेस ऐसे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे जाना है। प्लीज प्लीज, आपकी क्या राय है? किस बारे में? विशाल के बीवी के बारे में। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैं अपने केसेस किसी के साथ डिस्कस नहीं करता। मैं भी अपनी केसेस किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, बट आई डोंट फील सॉरी। प्रोफेशनल एथिक्स, मनजीत का भूत। मैं उसकी आवाज पहचानती हूं। ये डॉक्टर डॉक्टर की बात नहीं है, ये तो वही कर सकता है जो ये सब जानता है। जल्दी करो साहब, वरना देर हो जाएगी। उस विशाल अंधेरे में ले जाती है जो हमारे चारों तरफ छाया हुआ है, और हम अपनी जिंदगी की छोटी सी रोशनी में रहकर उसकी हकीकत को भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि उस असीम अंधेरे में जो राज छुपे हुए हैं उन्हें हम जान सकते हैं, मगर उसकी हकीकत को मानने से कम हम उसकी तरफ हाथ जरूर बढ़ा सकते हैं। तुमसे मिलने कोई आया है? मेरा नाम विशाल है। मुझे लगता है कि मेरी बीवी में भूत है। नाम क्या है? किसका?
माफ करना मिस्टर विशाल, उसे मुझे जाना पड़ा। मेरी बेटी के बारे में आपने शायद सुना होगा। एनीवे, स्वाति का मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक बहुत ही पेचीदा केस है। मैंने उसके लिए कुछ टेस्ट के इंतजाम किए हैं, उसको वहीं ले जाना होगा। एक्चुअली ये मेरी मदद के लिए आई है। मदद? डॉक्टर साहब, हो सकता है कि ये सिर्फ एक बीमारी ना हो। आपका कहने का मतलब ये कोई तांत्रिक कोई जरिया है जिसकी मदद से आप विशाल, आप एक पढ़े लिखे इंसान हो। दिस इज योर वाइफ वी आर टॉकिंग अबाउट। आप इन दखियनों सी बातों में कैसे विश्वास कर सकते हैं? स्वाति को दिमागी तकलीफ है। ये कोई दिमागी तकलीफ नहीं। मुझे मत समझाओ, तुम्हारे सुनने वाले बहुत होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सब बेवकूफ हैं। इस तरह की बात करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। विशाल, ये पागलपन है, आप क्यों नहीं समझते? आपकी बीवी को जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। इलाज से कुछ नहीं होगा। तुम बीच में मत आओ, चुप कर। बस डॉक्टर साहब, बस कीजिए। मेरा नंबर आपके पास है। विशाल, मुझे मंजीत की मां का पता चाहिए। मंजीत की मां का पता जानने की तुम्हें क्या जरूरत है? मंजीत का कुछ सामान हमारे घर में पड़ा है और अब हम उसे रखना नहीं चाहते। ठक्कर साहब ने बताया कि शायद मंजीत की मां का पता आप जानते हैं। जानने के लिए तो बहुत जानता हूं, लेकिन जो जानना चाहता हूं नहीं जानता। मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं। केशु चौपड़ीला, आपकी बीवी अभी भी ठीक नहीं होगी। कौन है आप लोग? अंदर कैसे आ गए? मंजीत के बारे में बात करने आए हैं। मंजीत? आपकी बेटी। मेरी बेटी तो मर चुकी है। वापस आ गई। लियाकत कुरेश, फौरन यहां चले आओ। विशाल की बीवी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। मेक इट फास्ट।
मुझे आपकी मदद चाहिए एक मर्डर केस में। मर्डर? यस डॉक्टर, मर्डर। बहुत भयानक। विशाल की बीवी का सही इलाज करने में आपकी मदद चाहिए, प्लीज। हेलो विशाल, स्वाति कैसी है? ठीक है, अब आपकी जरूरत नहीं। थैंक्स फॉर कमिंग। संजय ठक्कर साहब का बेटा। संजय डैड, तुम आप तो ठीक हैं? मुझे क्या हुआ? वो फोन। फोन? हाँ, किसी ने मुझे फोन करके कहा आपकी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत खराब है? हाँ। ये किसने फोन किया तुम्हें? ठाकुर साहब, स्वाति को कुछ हो गया, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। ये हमारे नए किराए, जल्दी चलिए ना प्लीज। चलो बेटा। संजय, क्यों पहचाना नहीं? मंजीत, वही मंजीत जो अपने बेटे के साथ यहां रहा करती थी, वही मंजीत। वही मंजीत जिसे तुम पाना चाहते थे, और जब पा न सके तो वही मंजीत जो तुमसे बचने की कोशिश में की जिम्मेदारी को छुपाने के लिए तुमने वॉचमैन को खरीद लिया।
और उस वॉचमैन ने पुलिस को ये बताया कि मंजीत ने पागलपन में अपने बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। याद नहीं आ रहा है, तुम लोग पागल तो नहीं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है? आप लोग अंदर कैसे आए? दरवाजा खुला था। इसका यह मतलब तो नहीं कि आप किसी के भी घर में जबरदस्ती घुसाए? और मैंने आपसे कहा था ना, मुझे अब आपकी कोई जरूरत नहीं। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। चलो देखिए, इस वक्त मैं लोगों के साथ। You want me to be nasty? Come. क्या वो सब सच तो नहीं है? You have to talk to me, maybe I can help you. ये क्या हो रहा है तुम्हें? अरे कुछ तो बताओ। संजय, संजय बेटा, प्लीज यू हैव टू कन्फाइड इन मी। वो क्या कह रही थी? क्या वो सच कह रही थी? संजय, संजय वो क्या कह रही थी? संजय प्लीज। मिस्टर विशाल, तुम्हारी बीवी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। And I'm sure वॉचमैन का मर्डर भी उसी ने किया है। विशाल, मुझे पता है ऐसे केस में मरीज कितना कितना खतरनाक हो सकता है। तुम अपने बीवी से बहुत प्यार करते हो, ये जो सब कुछ कर रहे हो उसी के लिए कर रहे हो, मैं जानता हूं। लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि जल्द से जल्द उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत है, इससे पहले कि वो किसी और को। मेरी बीवी को कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, उसमें उसमें भूत है। विशाल, जरा होश में आकर सोचो। वो जो तांत्रिक तुम्हारे साथ है, उसका कहना मानकर तुम उसी की तरह बेवकूफी की बातें सोच रहे हो। रियली आई एम सरप्राइज्ड, इतने पढ़े लिखे होकर भूत अंधविश्वास जैसी बातों को पालते हो। रियली रिडिकुलस। देखिए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ये मसला अब खत्म होने ही वाला है। प्लीज थोड़ा वक्त। पुलिस समझती कि स्वाति पागल है, अगर मंजीत ने संजय को कुछ कर दिया तो इल्जाम स्वाति पे आ जाएगा। Thank you.
इंजेक्शन देकर बेहोश करना होगा। बी केयरफुल, इस हालत में भयंकर ताकत आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था कि ये कोई मेंटल केस नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। रुक जा मंजीत, जल्दबाजी मत करो। संजय से बदले के जुनून में स्वाति को सजा मत दो। मंजीत की मौत खुदकुशी से नहीं हुई, बोल। बोल संजय, बोल। मैंने ही उसका खून किया, मैंने ही खून किया। मंजीत, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बेटी, बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। तुम यहां बदले के लिए आई थी, सो तुम्हें मिल गया। अब इन लोगों को अपनी जिंदगी जीने दे बेटी, इन लोगों को अपनी जिंदगी जीने दे।
विशाल सजा देगा तुम्हें। मैं दिल से चाहता हूं तुम्हें इससे घिनौनी सजा मिलनी चाहिए।